चोर चोर मौसेरे भाई की ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ऐसा ही कुछ नजारा कानपुर देहात के सरकारी विभाग और बिजली विभाग के बीच में देखने को मिल रहा है, जहां एक ओर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजली आपूर्ति के लिए पूरा दमखम लगाए हुए हैं, तो वहीं कानपुर देहात में बिजली विभाग के अफसर सरकारी विभागों पर मेहरबान हुए पड़े हैं। बकाया बिजली बिल के नाम पर आम आदमी के घर का कनेक्शन तो धड़ल्ले से काट दिया जाता है, तो वहीं सरकारी विभाग की ओर बिजली विभाग नजर उठाकर देखने में भी शर्मा रहा है। हालत तो यहां तक आ पहुंची है कि सरकारी विभाग पर करोड़ रुपए का बिजली का बिल अब बकाया हो गया है, पर बिजली विभाग है कि सांस लेने को भी तैयार नहीं है। के सरकारी विभागों पर बिजली विभाग बिल्कुल मेहरबान बना हुआ है, क्योंकि कानपुर देहात के 8 ऐसे सरकारी विभाग हैं जिनमें बिजली विभाग का 3,38,00,000 रुपए अप्रैल के बाद से ही बकाया चल रहा है। वहीं पर अगर बकाया की बात करें तो कानपुर देहात में जिले अस्पताल का सबसे ज़्यादा बकाया धनराशि है, जिसमें 1,21,00,000 रुपए है। और वहीं पर अगर बात करें पुलिस लाइन की, तो पुलिस लाइन का 89,63,000 रुपए है। और पुलिस जिला कारागार की बात करें तो यहाँ का 55,49,000 रुपए का बिजली का बिल बकाया है। वहीं पर अगर अन्य बकायेदारों की बात करें तो PWD गेस्ट हाउस का 27,00,000 रुपए का बिजली का बिल बकाया है, DM ऑफिस का 16,24,000 रुपए बकाया है, पुलिस ऑफिस का 10,20,000 रुपए बकाया है, CDO ऑफिस का 9,89,000 रुपए बकाया है, इको पार्क का 8,41,000 रुपए बकाया है। ये कुल 8 सरकारी विभाग हैं जिनमें बिजली विभाग का 8 महीने का 3,38,00,000 रुपए का बिजली का बिल बकाया है। वहीं इस मामले पर जब बिजली विभाग से पूछताछ की तो सुनिए बिजली विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। सरकारी विभागों में हमारे यहाँ मुख्य रूप से 8-9 विभाग हैं जिसमें बकाया लगभग 3,38,00,000 का मार्च तक सबका पेमेंट था। मार्च के बाद ये व्यवस्था कराई गई कि अब गवर्नमेंट सीधे पेमेंट वहीं काटेगी। हमारा शक्ति भवन जो है विभागों के बिल यहाँ न आ करके यहाँ से बिल जाएगी, पोर्टल पे अपलोड होगी और वहीं कटौती होगी। अभी पोर्टल में कोई टेक्निकल दिक्कत है, कुछ टेक्निकल रूप से, जिससे कटौती नहीं हो पा रही, सब सेंट्रलाइज पेमेंट होने। सर किस विभाग में कितना कितना अमाउंट तक हो गया? इसमें जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का 1,21,00,000, CDO कार्यालय का 9,89,000, इको पार्क एक है वहाँ पर उसका 8,41,000, जिला कारागार का 55,49,000, पुलिस लाइन का 89,63,000, SP की ऑफिस का है 10,20,000 और DM की ऑफिस का है 16,24,000, PWD है गेस्ट हाउस जो है उसके 27,00,000 का है लगभग बकाया। इसमें पेमेंट की मार्च तक पेमेंट लिए गए थे, लेकिन मार्च के बाद हो गया कि पेमेंट डिसेंट्रल मतलब लोकल स्तर पर नहीं कराए जाएंगे, सब शक्ति भवन से ही होंगे। विभागीय मतलब हर विभाग अपना वहीं से जो प्रमुख सचिव उन्हीं के स्तर से बिल यहाँ जाएगी और कटौती होगी वहाँ और वहीं जमा होगी। इसलिए उसमें पोर्टल में भी कोई दिक्कत है जिसकी वजह से भी पोर्टल प्रॉपर ढंग से काम नहीं किया। सर कब तक के बिल होंगे? कि साल मार्च के बाद बता रहा हूँ। अच्छा, मार्च के बाद ही बिल? अप्रैल से मार्च तक पेमेंट हो गए थे। अगर नहीं जमा होता तो फिर क्या होगा? निर्देश आएंगे जो गवर्नमेंट को उसमें किया जाएगा, अभी फिलहाल ऐसा कोई निर्देश नहीं सरकारी। तो सुना किस तरह बिजली विभाग ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अभी सरकार की तरफ से एक्शन लेने का कोई आदेश नहीं आया है। अब इससे तो यही लगने लगा है कि मुख्यमंत्री का आदेश सरकारी विभाग पर लागू ही नहीं होता है, या फिर सरकारी विभाग की मोटी चमड़ी पर मुख्यमंत्री के आदेशों का कोई असर नहीं पड़ता। कानपुर से सूरज सिंह की रिपोर्ट, कानपुर तक।